ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं अम्मा, वो कल आते वक्त रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। सीट बेल्ट नहीं बांधी थी ना, तो वो सर लग गया सामने। हालांकि कहा भी था मैंने इसको कि सीट बेल्ट बांध ले, मगर सुनती नहीं है मेरी बात। बेटा बात सुना करते हैं, कितना नुकसान कर लिया तुमने अपना। देखिए जी अब्बा। शावेज भाई आपको चोट नहीं आई? मेरा मतलब है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया, चोट नहीं आई। बेल्ट, सीट बेल्ट बांधी हुई थी मैंने। अपना ख्याल रखा करो ना बेटा, तुम क्या करती हो? क्यों परेशान होती? रखती हूँ मैं अपना ख्याल, और वैसे भी मेरे घर में इतने मुलाजिम है कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं साहब जी नाश्ता लग गया। जाओ आइए, नाश्ता तैयार। अम्मा आफी को ले आती, मैं भी मिल लेती उससे। जरा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तुम्हारे अब्बा ने कहा घर पर ही आराम करें। ये किसकी आवाज है? ये तो कोई चिल्ला रहा है। अकबरी, अकबरी कहाँ मर जाती हो? अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। कौन था, कौन इसे दर्द से चीख रहा है? वो अम्मी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर आवाज तो आ रही थी कोई। आप लोग एक ही बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं आखिर? बीवी है मेरी, पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसको, इसलिए चीख रही है। और कुछ? सॉरी शावेज भाई, वो अब्बा ने सिर्फ हमदर्दी के तहत पूछ लिया था। और जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। गुरूर है तुम। अब्बा आप तो मुझे हमेशा से अपना बेटा अपना बाजू कहते थे, ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे खुद से बिल्कुल दूर कर दिया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अजहर ने जो भी किया आपने उसकी गलती को माफ करके गले से लगा लिया, तो क्या मेरी गलती सिर्फ लड़की या बेटी होने? बेटी जितना मर्जी वालदैन का बोझ बांटे, खुद एक बोझ ही रहती है, सिर्फ बोझ। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? अम्मा अब्बा से कैसे बात कर रहे थे आप? कैसे बात कर रहा था? अच्छी तरह जानते हैं आप कैसे बात कर रहे थे, इतना रूडली, इतने उखड़े हुए अंदाज में। बेटी उनकी जख्मी, स्वतन उसकी चीख चीख के पूरे माहौल को खराब कर रही हो। तुम चीख चीख कर माहौल को खराब कर रही हो। रिलैक्स, आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ? एक बात तो तुम्हें वाजे करना चाहता हूँ, औरत की हाकमियत से मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत। उसका हुक्म चलाना, अपनी मर्जी करना, अपने शौहर के आगे बोलना, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसलिए कि सब कुछ मैं बहुत अरसे बर्दाश्त करता आया हूँ। ओके। लेकिन पहले तो आप बहुत नरम दिल, बहुत मोहब्बत करने वाले थे ना? था, और अभी हो सकता। अगर तुम खुद को ठीक रखो तो वैसे चलो जैसे मैं चाहता हूँ, मैं फिर से तुम्हें प्यार करूंगा, फिर से नर्मजात बन जाऊंगा। सॉरी फॉर दिस, दर्द तो नहीं हो रहा? होना भी नहीं चाहिए। कल का दिन बर्बाद कर दिया तुमने, अब आज सत्यानाश मत करना। चलो जल्दी से तैयार हो जा, हम पहले लंच करेंगे, उसके बाद कोई मूवी देखेंगे, फिर डिनर। कम ऑन। ऐसे कैसे मैं इस चोट के साथ कैसे जा सकती हूं? चोट के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जख्मी हालत में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वैसे भी सर में दर्द है। शादी तुमने लोगों से नहीं की, मुझसे की है ना, तो मेरी परवाह करो। और ये शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम हर वक्त ये चोट चोट पीवी सौतन ये रोना रोती रहो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये चोट मैंने अपने आप को खुद नहीं दी। बकवास बकवास नहीं। तैयार हो जाओ।